संगोष्ठी में जिसकी बात कर रहे हैं 2007 का विकसित भारत, उसमें मीडिया की भूमिका कैसे हमारे सामने आएगी, इस पर हम आज मंथन चिंतन करने वाले हैं। हमारे विशेषज्ञ विद्वान इस पर बातचीत करेंगे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 के शुभ अवसर पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका शीर्षक विकसित भारत 2047 का संकल्प और न्यू मीडिया हिंदी पत्रकारिता के विशेष संदर्भ में, हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सब के संरक्षक, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के को निरंतर ऊंचाइयों पर स्थापित करने के लिए सतत प्रयासरत तथा मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु दृढ़ संकल्पित हमारे यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, आपकी प्रेरणा के फलीभूत इस विश्वविद्यालय में अनेक संगोष्ठियां, कार्यशालाएं का आयोजन होता रहता है और आज यह एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आपकी ही प्रेरणा का एक मूर्त रूप है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माखनलाल चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के आदरणीय कुलपति माननीय प्रोफेसर के जी सुरेश जी, महोदय आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। आप कुलपति जैसे पद को अलंकृत करते हुए अपने दीर्घकालीन अनुभवों से शिक्षा जगत को लाभान्वित भी कर रहे हैं। आज आपकी कई आवश्यक बैठकों के बाद भी आप मुख्य अतिथि के रूप में हमसे जुड़े, पूरा विश्वविद्यालय परिवार अति हर्ष का अनुभव कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम सम्माननीय प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, अध्यापक प्राध्यापक भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली का भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप अपनी तार्किक पूर्ण दृष्टि से नित नवीन दिशा एवं शिक्षा के नूतन आयाम, अनुसंधान और सर्व सुलभ शैक्षणिक सुगमता उपलब्ध कराने हेतु सदैव प्रयासरत रहते हैं, जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी आप मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य जुड़े, इसके लिए हम सब अत्यंत गौरवान्वित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे मध्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री जगमोहन सिंह रौतेला जी, वरिष्ठ पत्रकार हल्द्वानी नैनीताल, तथा श्री प्रयाग पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार नैनीताल, आप दोनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली से एक विशिष्ट स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम सब हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के सह संयोजक प्रोफेसर एन एस बनकोटी जी का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वर्तमान समय में आप MBPG कॉलेज हल्द्वानी में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आप व्यवहार से जितने सौम्य हैं, आपका ज्ञान उतना ही गंभीर तथा विशिष्ट है। आप जहां एक ओर शिक्षा जगत में अपने अनुभवों से लाभान्वित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक कुशल प्रशासनिक अनुभवों से शैक्षणिक संस्थानों को भी सुव्यवस्थित करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही में हमारे मध्य उपस्थित संगोष्ठी के तकनीकी सत्र के सह अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर ममता पंत, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अनेक पुरस्कारों से अलंकृत एवं उत्कृष्ट लेखन शैली की धनी एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को आप अपने मध्य पाकर हम हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी अतिथियों का संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। इस क्रम में मैं आदरणीय प्रोफेसर पीडी पंसर, कुलसचिव तथा डायरेक्टर एकेडमिक का भी विशेष स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जो प्रथम दिन से ही लगातार इस संगोष्ठी के आयोजन में दिशा निर्देशन देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अनेक विभागों के विभागाध्यक्ष, अनेक विद्या शाखाओं के निदेशक, शिक्षकगण,
शिक्षणेतर कर्मचारी, शोध छात्र छात्राएं एवं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जुड़े हम सब के सम्मानित सदस्य तथा सुधीजन का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे ICT से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका विशेष स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार से हमारे मध्य जितने भी हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत। हिंदी पत्रकारिता का जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य को लेकर और जो आज भारत की जो स्थिति है और जो भारत की एक सोच है विकास की ओर जाने के लिए, उसको लेकर हिंदी पत्रकारिता का क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है, हिंदी पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी, वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता की क्या स्थिति है, और हिंदी पत्रकारिता को न्यू मीडिया से जोड़ते हुए, डिजिटल मीडिया को जोड़ते हुए कैसे इसको जो है उपयोगी बनाया जाए, कैसे इसमें जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे जो छात्र जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कैसे वो हिंदी को प्राथमिकता देते हुए डिजिटल मीडिया में इसको जोड़ते हुए आगे कैसे इसको उपयोगी बना सकते हैं, कैसे वो रोजगार इसमें प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर जो हमारा तकनीकी सत्र होगा उसमें हमारे कुछ शोधार्थी, कुछ शिक्षार्थी और कुछ शिक्षक साथी जो है अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ मंथन निकलेगा और ज़रूर निष्कर्ष निकलेगा कि किस तरह से हिंदी पत्रकारिता को बेहतर बनाया जा सके। हिंदी पत्रकारिता दिवस उदंत मार्तंड एक पत्रिका पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन किया था, और इसी क्योंकि इस दिन जो है भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता का जो उद्देश्य था, आपने देखा होगा कि जितनी भी जो पत्रकारिता शुरू हुई भारत में या विश्व में, वो किसी जन आंदोलन को लेकर हुई या जन सरोकारों को लेकर हुई, समाज सुधार को लेकर हुई। वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी एक वकील थे जो कि कानपुर से थे और कोलकाता में वकालत करते थे, और जेम्स अगस्टस हिक्की ने जब 1780 में बंगाल गजट, कोलकाता गजट के नाम से भी जिसे जाना जाता था, उसका प्रकाशन शुरू किया था, जो कि बहुत कम समय में जो है वो बंद हो गया था आर्थिक स्थिति के कारण, और जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके दमन के कारण जो है ये बंद हो गया था। इसी से प्रेरित पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की, और ये हिंदी पत्रकारिता की जहाँ शुरुआत हुई वहाँ हिंदी पत्रकारिता में एक क्रांति के रूप में जो है क्या हुआ, एक विकास हुआ, और वो हिंदी पत्रकारिता ने भारत की स्वाधीनता में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। स्वाधीनता में ही नहीं, स्वाधीनता के बाद भी हिंदी पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज वर्तमान की हम यदि बात करें, हिंदी पत्रकारिता पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने शुरू किया, उसके बाद राजा राममोहन राय जी ने बंगदूत जो है शुरू किया 1829 में, जिसका भी उद्देश्य क्या था, समाज सुधारना था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजा राममोहन राय जी समाज सुधारक थे। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में, समाज सुधारने के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, जन आंदोलन के लिए या किसी भी ऐसे तबके के विकास के लिए जागृत करने के लिए हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की गई। उसके बाद आज और आज के बाद कर्मभूमि जो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जबलपुर में शुरू किया था, जहाँ के कुलपति माननीय प्रोफेसर के जी सुरेश जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या किया था, 1920 में जो है कर्मभूमि पत्रिका की जो है का प्रकाशन शुरू किया था, जिनके नाम से राज्य का ही नहीं पूरे एशिया का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई। और यही हमारा सौभाग्य की बात है कि उस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर के जी सुरेश जी आज हमारे बीच इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हैं, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड की जो का प्रकाशन प्रारंभ किया था, वो मंगलवार को ही प्रकाशित होता था, और आज मंगलवार को ये संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया, ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है।
प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी हैं। आप भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष भी हैं। अधिष्ठाता छात्र कल्याण के साथ ही आप आउटरीच एक्टिविटीज विभाग के अध्यक्ष भी हैं। ढेर सारे अन्य प्रशासनिक पदों को आप सुशोभित कर रहे हैं। संचार माध्यम नाम की जो यूजीसी के लिस्टेड पत्रिका है IIMC द्वारा, आप उसके संपादक भी हैं। दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की स्थापना में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हिंदी एवं अंग्रेजी में आपकी 12 पुस्तकों का आपने लेखन और संपादन किया है। 50 से अधिक शोध पत्रों का आपने प्रकाशन किया है। 3 दशक तक आप पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर पत्र से जुड़े रहे। 3000 से ज़्यादा आपके समाचार पत्रों के लेख टिप्पणियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। लंबा अकादमिक और पत्रकारिता का को अनुभव है। मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी को मुख्य वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर ओपी सिंह नेगी जी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु प्रोफेसर KG सुरेश जी मेरे अग्रज हैं, पत्रकारिता में एकेडमिक्स में वरिष्ठ हैं। इनसे बहुत चीज़ें हमने आज सीखी हैं। वास्तव में जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो मैंने आग्रह किया था राकेश रयाल जी से कि इस बार प्रोफेसर KG सुरेश जी को सुनने के लिए ज़रूर बुलाना चाहिए, और मैं यहाँ पर वास्तव में KG सुरेश जी को सुनने आया हूँ। अब मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर मुझे भी एक वक्ता के नाते खड़ा कर दिया जाएगा। खैर, इस कार्यक्रम में बहुत सारे वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। प्रोफेसर PD पंत जी हैं, NS बनकोटी जी हैं, प्रोफेसर रेणु प्रकाश जी हैं, राकेश रयाल जी हैं, और भी बहुत सारे पत्रकार बंधु यहाँ हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं। मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले इस सभागार में जितने भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक विराजमान हैं, मैं आप सबको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि 2012 और 13 में मैं भी इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और यहीं से पढ़ाई करके मैं आगे पत्रकारिता और एकेडमिक्स में आगे बढ़ा हूँ। मित्रों, एक मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग को एक बधाई मैं और देना चाहता हूँ, क्योंकि जो विषय का चयन किया गया है आज वो बहुत प्रासंगिक है। हम हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बहुत सारे विषय ढूंढते हैं, लेकिन रयाल जी ने एक शब्द प्रयोग किया है कि विकसित भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। ये मोदी जी का संकल्प नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का संकल्प है, और जब संपूर्ण राष्ट्र का संकल्प होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस संकल्प को मेटेलाइज करने की जिम्मेदारी संपूर्ण राष्ट्र की होती है, और संपूर्ण राष्ट्र के जितने अंग हैं उन सब की जिम्मेदारी है। मीडिया भी राष्ट्र का हिस्सा है। मीडिया की जहां तक बात है, अगले वर्ष हम उदंत मारतंड यानी हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष मना रहे होंगे, और ये 200 वर्ष वास्तव में आत्मावलोकन करने का समय है। मैं मानता हूं कि भारत में पत्रकारिता ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है, राष्ट्र जागरण में भूमिका निभाई है। लोग मीडिया में तमाम तरह की कमियां निकालते हैं। मैं मानता हूं कि जो काम करता है समीक्षा उसी की होती है, जो काम नहीं करता उसकी क्या समीक्षा होगी। हिंदी पत्रकारिता दिवस के एक दिवसीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर KG सुरेश, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर OPS नेगी, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, मंचासीन प्रोफेसर प्रमोद कुमार, प्राध्यापक भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली, जिनका उद्बोधन हमने अभी सुना, श्री जगमोहन सिंह रौतेला जी, वरिष्ठ पत्रकार हल्द्वानी के हैं, डॉक्टर गणेश पाठक जी हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक जो सचिव हैं डॉक्टर राकेश चंद्र रयाल जी, अध्यक्ष पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हैं,
संयोजक और सह संयोजक में प्रोफेसर रेणु प्रकाश, श्री राजेंद्र सिंह वीराजी हैं। कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन कर रहे प्रोफेसर शशांक शुक्ला जी हैं और उनके साथ प्रोफेसर रेणु प्रकाश मैडम हैं और मंच पर आसीन प्रोफेसर पीडी पंत जी हैं। समस्त सम्मानित पत्रकार हल्द्वानी के और नैनीताल के, मेरे महाविद्यालय से आए हुए प्रोफेसर कमरुद्दीन, प्रोफेसर संजय खत्री हैं, अन्य प्रोफेसर महाविद्यालय से यहाँ पधारे हैं, समस्त शोध छात्र, उत्तराखंड विश्वविद्यालय में ही कार्यरत निदेशक, सह निदेशक और समस्त शोधार्थियों, ये प्रस्ताव हमारे सम्मानित पत्रकार सुमित जोशी जी का है कि जिन्होंने हमें भी इसमें प्रतिभाग करने के लिए ये अवसर प्रदान किया। उनका है एक आग्रह था कि हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। तो मैंने अपने जो आरडीसी सेल के संयोजक हैं प्रोफेसर कमरुद्दीन से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है, हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो हम इसमें शामिल हो गए। ये बहुत अच्छा अवसर है कि इतने विद्वान कुलपति महोदय और प्रोफेसरों के बीच में अपने आप को पाकर, अपने महाविद्यालय के सम्मानित प्राध्यापकों को पाकर हम निसंदेह गदगद हैं। अब प्रश्न उठता है कि दो पत्रकारों के बीच में बोलना, इससे पहले आपने सुना प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी को और इसके बाद का वक्तव्य है माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, तो बीच में मुझे अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शोधार्थियों से ये आग्रह करता हूँ कि आप जरूर पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करें और पत्रकारिता को एक पावन कार्य समझकर काम करें। प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी ने कहा कि पत्रकारों की बड़ी भूमिका होती है, हमारे समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में आप ही की भूमिका होती है, और हमारे समाज को जागरूक करने में, हमारे विद्यार्थियों को जागरूक करने में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आपको अपना कार्य करते समय यथार्थ, ईश्वर और वास्तविकता को हमेशा याद रखना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है, आप उसको रखते भी हैं। विद्वान पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर गणेश पाठक जी हैं, उसके बाद यहाँ पर अन्य पत्रकार बंधु भी आए हैं, मैं सभी का अपनी ओर से, अपने महाविद्यालय की ओर से, लगे हाथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ये आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करें और हमारे समाज को सुधारने में आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको उजागर करें। मैं अंत में इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी को, उनकी पूरी टीम को, समस्त प्राध्यापकों को, समस्त निदेशक और सहायक निदेशकों को धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें भी एक मौका दिया कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पुनीत कार्य में अपना भी योगदान हम खुश दें, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, सिंह नेगी साहब, हमारे अभिन्न मित्र और भारतीय जनसंचार संस्थान के आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, प्रोफेसर एनएस बनकोटी जी, प्रोफेसर रेणु प्रकाश जी, हमारे युवा मित्र डॉक्टर राकेश रयाल साहब, प्रोफेसर पीडी पंत साहब, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार, सभी संकाय सदस्य, शोधार्थी, आप सभी को एशिया के पहले और भारतवर्ष के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की ओर से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। सचमुच बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर। मैं कई बार बोलता हूं कि हम तो देवभूमि कहते ही हैं उत्तराखंड को, मेरे लिए
व्यक्तिगत रूप में भी पुण्य भूमि है ये। मेरे परनाना जी जो है, यानी कि सगे रिश्ते में नहीं, मेरे परनाना जी इंडियन कल्चरल सेंटर अल्मोड़ा के संस्थापकों में से थे। उनका अंत्येष्टि यहीं अलकनंदा के किनारे हुआ, उनका देहांत भी यहीं हुआ अल्मोड़ा में। इसलिए जाहिर है जब अपने परनाना जी की अंत्येष्टि जिस भूमि में हुई है उसके लिए एक विशेष स्थान हमेशा जिनकी कर्मभूमि ये रही है। बाद में मेरे नाना जी रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ फाइन आर्ट्स बने, संगीत नाटक अकेडमी के फेलो थे वो। और मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं, मैं यहीं देहरादून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज का स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया का डीन, फाउंडर, संस्थापक डीन भी रहा हूं। तो कभी भी उत्तराखंड से कोई न्योता आता है तो मना करना बहुत कठिन होता है। और विशेषकर रयाल साहब ने आग्रह किया, प्रमोद जी ने आग्रह किया और नेगी साहब का सानिध्य मिले और मैंने इस अवसर का भी लाभ उठाया। कल जो है आपके सहयोग से गोलू देवता के और नीब करोरी बाबा के दर्शन का भी मुझे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए तो एक इस विश्वविद्यालय में आना भी उसी तीर्थ यात्रा का भाग है। और सच में मैं आज वीसी साहब को बता रहा था कि मैं कई मुक्त विश्वविद्यालयों में जाता हूं, लेकिन जो ऊर्जा जिसको एनर्जी हम कहते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स जिसका प्रमोद जी ने भी जिक्र किया, वो मुझे यहां सच में यहां जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मुझे वो प्राप्त हुआ। वो एनर्जी मुझे जो एक आम तौर पर, क्योंकि विद्यार्थी बहुत कम ही आते हैं, खैर विद्यार्थी तो मैं वही प्रिंसिपल वीसी साहब से बता रहा था कि रेगुलर विश्वविद्यालयों में भी आजकल कम ही आते हैं, तो फिर ओपन में इतना हलचल, इतने लोग, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। भारतीय पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत को दृष्टिगत रखते हुए एक दिवसीय गोष्ठी के आज के मुख्य अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी जनसंचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी, IIMC भारतीय जनसंचार संस्थान के वरिष्ठ प्राध्यापक DSW और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी, MBA डिग्री कॉलेज जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा महाविद्यालय है उसके यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर NS बनकोटी जी, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता एवं कुल सचिव प्रोफेसर PD पंजी, मानविकी के विद्या शाखा के अध्यक्ष प्रोफेसर रेणु प्रकाश जी, इस कार्यक्रम को जो जिन्होंने जिसके पीछे पूरा काम किया और जो पूरे तन मन धन से लगे रहे, पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश रयाल जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशांक शुक्ला जी, MBA कॉलेज से आए हुए विभिन्न प्राध्यापकगण डॉक्टर कमरुद्दीन जी, प्रोफेसर संजय खत्री जी, बहुत से वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, श्री गणेश पाठक जी दिखाई दे रहे हैं, गणेश जोशी जी दिखाई दे रहे हैं, कई लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं सबको सभी लोगों को याद करते हुए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो आज मैं माननीय मुख्य अतिथि कुलपति श्री सुरेश जी का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8 क्षेत्रीय केंद्र एवं 126
स्टडी सेंटर जिसमें करीब 92,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत और प्रमोद कुमार जी का स्वागत तथा जितने लोग यहां पहुँचे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे शशांक जी द्वारा उद्बोधन के लिए कहा गया, मैं आदरणीय सुरेश जी को सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि ये इतनी विद्या आई कहाँ से, कैसे बोले, पत्रकारिता के अंदर तो क्या नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे भूल गया मुझे क्या बोल रहा है। तो ये जो है हमारे ऐसे विद्वान आज हमें मिले, और आप आपके सामने छोटा सा उदाहरण दे दूँ मैं। माननीय सुरेश जी, लोग बोलते हैं साउथ में हिंदी नहीं चलती है, आप केरल के रहने वाले हैं, मलयालम के, अंग्रेजी के, हिंदी के इतने विद्वान आपने सुना, इतनी बढ़िया हिंदी मैं नहीं बोलता हूँ जिसका जन्म जो हिंदी भाषा क्षेत्र में हुआ है, तो इतनी बढ़िया हिंदी हमें सुनने को मिली। तो ये जो है ये आपकी विद्वता का वो है, पत्रकार कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आज का जनसंचार मीडिया कितना आगे बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया जो इसको हम न्यू मीडिया कह रहे हैं वो मीडिया कितना चैलेंजिंग है, पत्रकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, विकसित भारत कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, लोकहित कैसे होगा, जन कल्याण कैसे होगा, इसके बारे में आपने विस्तृत चर्चा डाला। मैं इन विषयों को छूंगा नहीं क्योंकि मैं एक पत्रकार भी नहीं हूं, लेकिन पत्रकार बंधुओं का तथा पत्रकार जगत का मैं पूरा सम्मान करता हूं कि आज जो है अगर हम लोग अपने को देखते हैं हम विकसित हैं या विकसित होएंगे या भारत आगे बढ़ेगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो भारत का चौथा स्तंभ जो दुनिया जो है आपका वो जो चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है उनकी रही है। और ये रही नहीं, वो और आगे जाएगी ये, क्योंकि अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो कि हमारे लिए एक तरह से हमारी वही चुनौतियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी बनेंगी, AI जिसको आपने कहा, AI और जो डिजिटल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया आज का पत्रकारिता का स्तंभ तो बनेगा लेकिन हमें इसे सतर्क भी रहना है। YouTube के द्वारा या कई जो हमें कई सूचनाएं गलत भी मिलती हैं, कभी सच्ची मिलती हैं। आधुनिकता जिस विकेंद्र की बात करती है ना, एक केंद्र होगा लेकिन उसके ढेर सारे बहुकेंद्र होंगे, तो मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा ही इसी के तहत विकसित हुई थी, चाहे वो ब्रिटिश ओपन यूनिवर्सिटी हो या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। मित्रों, कार्यक्रम का उत्तरार्ध है और हम अपने अतिथियों को सम्मानित करना चाहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 को मना रहे हैं, और इस अवसर पर हमारे लिए एक विशिष्ट अवसर है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर जी के जी सुरेश जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सर, मैं सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्त तत्काल कार्यक्रम में से समय निकालकर यहां पर उपस्थित दर्ज की है तथा आपके सम्मोहन से हम सब लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आज के हमारे विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी का, जो IMC दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित है, और हम सबने उनका संबोधन सुना है और आधुनिक पत्रकारिता में के क्या आयाम होने चाहिए, कैसे हैं, उस पर सबको ज्ञान वर्जित हुआ है। मैं इसके लिए सर आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मैं धन्यवाद अदा करता हूं प्रोफेसर बनकोटी जी का, जो प्राचार्य MBA कॉलेज के हैं, वो हमारे बीच में आज वशिष्ठ वक्ता के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने भी हमारे बीच में जानकारी दी कि उनके जो संस्थान है MBA कॉलेज, वहाँ भी पत्रकारिता के क्या आयाम हैं, किस तरह उसको हम समाज के बीच में उसको ले जा रहे हैं। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मार्गदर्शक, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति तथा इस कार्यक्रम के प्रेरणा प्रोफेसर OPS नेगी जी को, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। और जब सर के पास ये प्रस्ताव गया तो एक ऐसा भी आया था कि बहुत गर्म है
क्या कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर ने कहा कि कार्यक्रम को अवश्य करना होगा, उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएगी और ये उन्हीं की प्रेरणा है कि हम सब आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबकी ओर से उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ और मैं धन्यवाद अदा करूँगा शहर के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु का जो अपना समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए, विशेषकर रौतेला जी का, ममता पंजी अल्मोड़े से आई हैं, गणेश पाठक जी का और आप सभी का, इस उम्मीद के साथ कि इस जो आज एक संगोष्ठी हो रही है, जो ये कार्यक्रम है, इसको कल के समाचार पत्रों में सब जगह एक विशिष्ट स्थान मिलेगा ताकि हम लोगों को पत्रकारिता के बारे में और अधिक जागरूक कर सके। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा अपने MB कॉलेज के दो वरिष्ठ प्राध्यापक हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रोफेसर कमरुद्दीन जी का और संजय खत्री जी का, जो कि हमारे RD हैं, लगातार हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से और तमाम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। आयोजित किया गया है विश्वविद्यालय की ओर से, उसमें 5 से 7 मिनट मैक्सिमम टाइम यहाँ से निर्धारित हुआ है। अभी तक हमारे पास में केवल 7 ही शोधार्थियों के रिसर्च पेपर आए हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता के तौर पर हमने आमंत्रित किया है, उनके लिए आमंत्रित करूँगा मैं सबसे पहले मैडम ममता पंत मैम हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। क्योंकि रिसर्च पेपर यहाँ पर प्रेजेंट होना है, उससे पहले हम लोग स्वागत की कार्रवाई भी हम लोग कर लेते हैं। मैं चाहूँगा हमारे विभागाध्यक्ष मीडिया शाखा के डॉक्टर रयाल जी वो बुके देकर स्वागत करेंगे मैम का। का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे शोध पत्र का विषय है हिंदी पत्रकारिता और सूचना तकनीकी। इसकी प्रस्तावना, हिंदी पत्रकारिता का अर्थ हिंदी भाषा में समाचारों का संकलन, प्रस्तुति और प्रसारण है। यह पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हिंदी भाषी समुदायों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता फैलाना भी है। अगर हम हिंदी पत्रकारिता के इतिहास के बारे में बात करें तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो 19वीं सदी में हुई थी, जब हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मातंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। उदंत मातंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कलकत्ता की, इसके बाद जो है कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र जो है सुधा वर्षण श्याम सुंदर के संपादन में निकाला गया। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र जो है भारत मित्र था। इसके बाद सार्वजनिक मित्र, हिंदी प्रदीप जैसे कई अन्य समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका जो है वो मतवाला थी। हिंदी भाषी राज्यों में पत्रकारिता का एक लंबा और सुदृढ़ इतिहास रहा है जो समय के साथ कई बदलावों और विकास के दौर से गुजरा है। इन राज्यों में पत्रकारिता के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगर हम बात करें आज के डिजिटल युग की, तो आज के डिजिटल युग की में पत्रकारिता पूर्णतः तकनीकी व सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो गई है। पत्रकारिता के नए आयाम न्यू मीडिया
और सोशल मीडिया के रूप में सामने आए हैं, जिसने एक ओर हर एक व्यक्ति को एक पत्रकार की भूमिका में आगे कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इस सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति से मीडिया भी सशक्त हुआ है। इस शोध पत्र में यह प्रयास किया गया है कि वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी का मीडिया के क्षेत्र में किस तरह से उपयोग किया जा रहा है और कैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में तकनीकी का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता और सूचना तकनीकी, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप और जो मीडिया में न्यूज़पेपर होते हैं आज तक या अमर उजाला प्रिंटिंग उसका कर सकते हैं, समाज हिंदी समाचार, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, प्रभात खबर और दैनिक जागरण, इसी तरीके से ये सारे जो हैं हिंदी सूचना तकनीकी के अलग अलग साधन हैं। वंदनीय माँ शारदा, यहाँ पर उपस्थित समस्त अध्यापकगण और शोधार्थी साथियों, मैं सागर सिंह सिरोला, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा, शिक्षक शिक्षा विभाग, हल्दूचौड़ महाविद्यालय से अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के प्रचार प्रसार में मीडिया प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन। वर्तमान समय में यदि हम आज़ादी के अमृतकाल में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारे भारतवर्ष के अनेक शिक्षा शास्त्री और विद्वान मुक्त शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा एवं दूरवर्ती शिक्षा को भविष्य की शिक्षा के रूप में संदर्भित करते हैं। और आज के समय में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली संपूर्ण विश्व में अत्यंत लोकप्रिय होते जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के अंतर्गत भी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली औपचारिक शिक्षा की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के रूप में भी निरंतर विकसित हो रही है। यह मुख्य रूप से ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों एवं शिक्षार्थियों को लेके निर्मित की गई है जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नियमित रूप से औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रकार से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली शिक्षा की सार्वभौमिकरण की अवधारणा को भी बल प्रदान करती है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट लगाइए, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग। यदि हम मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अवयवों की बात करें तो इसमें आते हैं सबसे पहले मुद्रित अधिगम सामग्री, जिसमें मुख्य रूप से आत्म अनुदेशन या स्व अनुदेशन अधिगम सामग्री सम्मिलित होती है, रेडियो एवं दूरदर्शन प्रसारण, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें मुख्य रूप से स्लाइड्स, वीडियो कैसेट, छायाचित्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं, एवं कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित परंपरागत एवं कृत्रिम मेधा आधारित उपकरण भी इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में मीडिया प्रौद्योगिकी की आवश्यकता या महत्व। प्रस्तुत शोध विश्लेषण से हमें यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान संदर्भ में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली मीडिया प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना इसका प्रचार व प्रसार संभव ही नहीं है। मीडिया प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग से ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी, रोचक एवं सुबोधपूर्ण बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं एवं ज्ञान के संकलन में, शिक्षार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को सरल, रोचक बनाने में, उनके स्व अध्ययन में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में, साथ ही साथ उनके अधिगम को स्थायी बनाने में भी मीडिया प्रौद्योगिकी की भूमिका अनिवार्य रूप से आवश्यक अब हो गई है। नेक्स्ट इसको कीजिए। अब इसके मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के कुछ मुख्य घटक भी हैं। चार मुख्य घटक को लेके मीडिया प्रौद्योगिकी कार्य करती है, जिसमें प्रथम मुख्य रूप से आता है कंप्यूटर हार्डवेयर उपागम प्रौद्योगिकी, द्वितीय है इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपागम प्रौद्योगिकी, तृतीय है इसमें दूरसंचार एवं अन्य संचार तंत्र की उपागम प्रौद्योगिकी, और चतुर्थ मानव संसाधन। इन चार घटकों को लेके मीडिया प्रौद्योगिकी अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। नेक्स्ट इसमें है सर, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में मीडिया प्रौद्योगिकी की वर्तमान भूमिका। वर्तमान भूमिका में सबसे पहली भूमिका ये है कि शैक्षिक अभिलेखीकरण में वर्तमान समय में जितने भी मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय हैं, इनके शैक्षिक अभिलेखों के विनिर्माण में, संकलन में, रखरखाव व प्रसारण में मीडिया प्रौद्योगिकी शैक्षिक तकनीकी के रूप में अपनी उपादेयता सिद्ध कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न शैक्षिक प्रबंधन, नियोजन एवं प्रशासन से जुड़ी हुई नीतियों के निर्धारण, कार्यान्वयन और प्रसारण में भी
ये अपनी भूमिका को सुस्पष्ट करते जा रही है। द्वितीय, इसमें पाठ्यचर्या के विकास एवं प्रसार हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के कारण पाठ्यचर्या का जो निर्माण व प्रसार के संबंध में भी मीडिया प्रौद्योगिकी की उपयोगिता अब दिन प्रतिदिन अपरिहार्य होते जा रही है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा में आत्म अनुदेशन सामग्रियों के विविध रचनात्मक रूपों को विविध तरीके से विकसित किया जा रहा है, जो कि परीक्षा मापन मूल्यांकन के साथ साथ उच्च शिक्षा के औपचारिक प्रसार प्रसार में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अंत में मैं इसको नेक्स्ट इसको सार रूप में निष्कर्षित करते हुए ये कहना चाहूँगा कि प्रस्तुत शोध विश्लेषण से यह निष्कर्षित होता है कि वर्तमान समय में भारतवर्ष के अंतर्गत उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु एवं शिक्षार्थियों की वर्तमान शैक्षिक आवश्यकता एवं व्यवसाय परक आवश्यकताओं के कारण संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में मीडिया प्रौद्योगिकी की भूमिका का अपना एक विशेष महत्व है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार एंड शोधार्थी, वर्ग, मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर प्रमिला जोशी और मैं डॉक्टर प्रीति पंत, हमारे जो आलेख का शीर्षक है वो है कुमाऊनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में AIM मीडिया का उपयोग, जिसकी शुरुआत हम कुमाऊं की एक छोटी सी जो हमारी संस्कृति है से हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, केदारखंड और मानसखंड से मिलकर बना हुआ है। हमारी संस्कृति जो विश्वविख्यात है अपनी बोली, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए विश्व में अपना एक अमिट छाप छोड़ती आ रही है। वस्तुतः जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। हमारी संस्कृति हमारे पहनावे से, हमारी वेशभूषा से, हमारे खान पान से, हमारे रीति रिवाजों से और जो हमारे पिछड़े वर्ग के सारे क्रियाकलाप होते हैं, हमारे मेले, हमारी अनेक यात्राएं या धार्मिक स्थल, ये हमारी सब कुमाऊनी संस्कृति की विरासतें हैं। इनको संजोने का कार्य बहुत से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें मीडिया कर्मियों की बहुत आवश्यकता है, उनके कार्य को करने की बहुत आवश्यकता है कि वो इसको आगे ले जाएं। हमारा मकसद यहाँ पर कोई शोध पत्र प्रस्तुत करना नहीं है, हमारा छोटा सा एक प्रयास है कि हम कुछ चीज़ें अपने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों से बातचीत के माध्यम से हम उन तक पहुँचाएँ। अब संस्कृति की बात करें तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। मूल रूप से यहाँ पर जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जिसमें की कुमाऊनी क्षेत्र हमने लिया है, उसकी जो पूजा पद्धतियाँ हैं या लोरियाँ हैं या मुहावरे हैं या उनकी गीत की शैलियाँ हैं और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक गीत हैं, जिनमें से कृषि गीत और पर्यावरण संबंधी गीत हैं, कई कहावतें हैं जिनको संजोने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि कई रिसर्च पेपर इसमें प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें और महती आवश्यकता है कि हमारे जो AI और मीडिया कर्मी साथ मिलके इसको आगे बढ़ाएं। देखा गया है कि कई सारी हमारे रीति रिवाज या झूठ मूठ की कई सारी चीज़ें मीडिया के द्वारा प्रसारित भी होती हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि जो भी उन सूचनाओं को प्रसारण कर रहे हैं वो जो है वो सही में करें। इसमें AI का प्रयोग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम कह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। हालांकि मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये एक पत्र है तो मैं इस ढंग का प्रेजेंटेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में
शक्तिशाली साधन है। विभाग के निदेशक प्रोफेसर रेणु प्रकाश जी, डॉक्टर ममता पंत जी और मेरे वरिष्ठ साथी गणेश पाठक जी, अमर उजाला के पत्रकार संपादक जी भी बैठे हुए थे, शायद बाहर गए हैं, प्रेम प्रताप जी, और मेरे उपस्थित यहाँ सभी युवा शोधार्थी मित्रों, मुझे रयाल जी ने आज इस सेमिनार के लिए उत्तराखंड की पत्रकारिता पर बोलने का निमंत्रण दिया था, तो मैं उसी पे अपनी बात रखूँगा। हालांकि ये है बहुत लंबा, तो जो स्थितियाँ हैं, जो टाइम का है, तो मैं इसे जितनी कोशिश होगी कम करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग बोर भी ना हो। और यह एक तरीके से मेरा जो वक्तव्य होगा, मेरे हिसाब से ये बोरियत वाला ही होगा, क्योंकि इसमें वैसी कोई बातें नहीं है, जितनी बातें सब डेटाबेस ही हैं, कौन अखबार कब निकला क्या हुआ। हिंदी पत्रकारिता को जैसे सभी जानते ही हैं आप लोग, 2 साल बाद 200 साल पूरे हो जाएंगे, और उसके कब निकला क्या निकला मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं उसके बाद सीधे से उत्तराखंड की पत्रकारिता पर आ रहा हूं, जहां देश की हिंदी पत्रकारिता को 198 साल हो गए हैं, वहीं उत्तराखंड की हिंदी पत्रकारिता को 157 साल हो चुके हैं। 1957 में ब्रिटिश राजतंत्र से मुक्ति पाने के बाद जो पतन संध्या आंदोलन हुआ था, उसका जो एक वातावरण बनाया वो हमारी मीडिया ने ही बनाया, कि अखबार निकले तो लोगों तक, क्योंकि उसमें जरिया और कुछ था नहीं, जो पंपलेट निकले वो भी एक तरीके से अखबार का ही काम करते थे। और उसके बाद उत्तराखंड में जो स्थितियां आई, यहाँ थोड़ा स्वतंत्रता आंदोलन 1857 वाला असर बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ी देर में आया, तो यहाँ जो हिंदी पत्रकारिता की जो शुरुआत होती है वो समय विनोद से होती है, 1868 से, और उसे उत्तराखंड का पहला हिंदी अखबार माना जाता है समय विनोद को, जो नैनीताल से हिंदी और उर्दू में निकलता था। और समय विनोद को भी पिछले कुछ ही साल में, मेरे हिसाब से 20-25 साल बाद, उसे उत्तराखंड का पहला अखबार माना जाने लगा है, वो भी जब आप जैसे जो शोधार्थी थे, जब उन्होंने शोध किया तो तब समय विनोद का जिक्र कहीं आया, नहीं तो उससे पहले अल्मोड़ा अखबार को ही उत्तराखंड का पहला अखबार माना जाता था। क्योंकि मुझे याद है जब 1998 में मैंने गढ़वाल से अपने PhD का सिनोप्सिस जमा किया था, तो वहाँ जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने मना कर दिया, जब उन्होंने मैंने उसे समय विनोद का जिक्र किया था, उन्होंने काट दिया था उसे, बोले रोतेलाए नहीं है। मैंने कहा सर मैंने किया है और फलानी जगह, बोले वो तो कोई भी लिख देगा तो ऐसे थोड़ी होगा, अल्मोड़ा अखबार ही पहला अखबार है, तो उन्होंने तो सिनोप्सिस से उसे काट दिया। ये बात अलग है कि मैं अपनी कोई लापरवाही की वजह से और कुछ अपनी पारिवारिक उससे मैं पूरा अपना PhD पूरा नहीं कर पाया, जो उसका रिन्यूअल का टाइम था वो चला गया, मैं तब उसके मुझे होश आया कि नहीं सर रिन्यूअल करना है, तब तक टाइम चला गया, तो मेरा PhD पूरा नहीं हुआ। तो जो समय विनोद की बात है, इसके जो संपादक और प्रकाशक थे वो जयदत्त जोशी वकील थे। अब आप सोचे कि आज हम अखबारों को 1-1 लाख की और 1.5-1.5 लाख की बात बताते हैं कि इतने उसमें छप रहा है, तब पहली बार जो समय विनोद का जो अंक निकले थे वो सिर्फ 32 अंक निकले थे, और शायद कुछ एकाध कुछ वैसे रहे होंगे, मतलब 32 लोग उसके ग्राहक थे उसके अगले, और उसमें भी जो था 17 लोग भारतीय थे और 15 यूरोपियन थे। तो आप बताइए कि उस दौर में हिंदी और उर्दू के अखबार पढ़ने वाले यूरोपियन भी थे, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी उस समय जो है देश से बाहर भी लोग पढ़ रहे थे और लिख रहे थे और उसे समझ रहे थे। उसके दूसरे साल उसकी ग्राहक संख्या बढ़ी और वह 68 तक पहुँच गई, उसमें 30 प्रतियाँ जो है अंग्रेज सरकार लेती थी, शायद ये देखने के लिए कि इसमें हमारे खिलाफ़ क्या छपा है क्या नहीं छपा है, किस तरीके से अखबार निकल रहा है, और इसकी प्रतियाँ कहीं उस तरीके से सुरक्षित हैं नहीं समय विनोद की, वर्नाकुरस प्लस रिपोर्ट से में ही इसका जिक्र मिलता है, और उसी रिपोर्ट के अनुसार जो पता चला है वह है कि इसका आखिरी अंक जो है 1 अप्रैल 1877 का जो उसमें जिक्र है,
वो है 1 अप्रैल 1877 का, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसके बाद भी इसके कुछ अंक प्रकाशित हुए होंगे। और उसके बाद इसके लगभग 3 साल बाद 1871 में अल्मोड़ा से अल्मोड़ा अखबार निकला, जो उत्तराखंड की हिंदी पत्रकारिता का दूसरा अखबार माना जाता है। बाद में मैं थोड़ा शॉर्ट में आऊँगा, मैं शुरुआती अखबारों के उस तरीके से बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ उस तरीके से इसके बारे में जानकारी हो। इसके संपादक थे बुद्धिवल्लभ पंत, और इसका पहला अंक जो है अप्रैल 1871 में निकला। पंत जी के बाद अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन किया वो मुंशी इम्तियाज, लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बदीदत्त पांडे ने किया। यह अखबार जो है कभी साप्ताहिक और कभी पाक्षिक के रूप में 1918 तक निकलता रहा। 1918 में अंग्रेज सरकार की कुछ नज़रें टेढ़ी हुई, क्योंकि उनके खिलाफ़ कुछ लिख दिया गया था, तो उन्होंने कहा भाई या तो अखबार को बंद करो या फिर आप 1000 रुपये जुर्माना जमा करिए। उसमें 1000 रुपये बहुत होता था, तो उन्होंने कहा कि अखबार बंद कर देंगे लेकिन हम जुर्माना नहीं देंगे। जुर्माना देने का मतलब था कि भी सरकार की नीति पर चलना और घुटने टेक देना। तो उसमें ये एक बड़ी बात थी कि आप अंग्रेज सरकार के सामने नहीं झुक रहे हैं और उसका कहना नहीं मान रहे हैं। इस बीच जो है 1883 में टिहरी के राजा प्रताप शाह ने टिहरी में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई, जिसमें उनका रियासत टिहरी गढ़वाल नाम से गजट प्रकाशित होता था। तो वो भी एक तरीके से मान लें तो यहाँ के पत्रकारिता का एक जिक्र हम उसे मान सकते हैं। उसके बाद इसी दौर में 1902 में लैंसडाउन से गिरजादत्त नेथानी जी ने पहला गढ़वाल का हम उसे समाचार कह सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के हिसाब से कहें तो हम तीसरा अखबार उसे कह सकते हैं, गढ़वाल समाचार प्रकाशित किया। यह सेल 16 पेज का होता था और मुरादाबाद में छपता था, और लैंसडाउन से इसका प्रकाशन होता था। इस बीच जो है 1901 में देहरादून में गढ़वाल यूनियन नाम की एक सामाजिक संस्था बनी, और उन्हें भी लगा कि सामाजिक कार्यों को करने के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वैसी गतिविधियों के लिए एक अखबार निकाला जाना चाहिए। लंबे विचार विमर्श के बाद अखबार का नाम तय हुआ गढ़वाली। बहुत लोग उसे भाषा से या बोली से भी लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। गढ़वाली अखबार भी था, जो गढ़वाल का जिसे आप दूसरा समाचार पत्र कह सकते हैं। इस अखबार को निकालने के जो योजनाकार बने वो थे विशंबरदत्त चंदोला, तारादत्त गैलोरा, चंद्रमोहन रतुड़ी, और सबकी राय थी कि विशंबरदत्त चंदोला जो है इसके संपादक बने, क्योंकि विशंबरदत्त चंदोला जी सेना में क्लर्की का काम करते थे, तो लिहाजा उन्होंने संपादक बनने से इनकार किया, क्योंकि ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि आप अखबार निकालने तो पूरी आजीविका चला सकें। तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे सपोर्ट करूँगा, मैं संपादक नहीं बनता हूँ। तो फिर गिरजादत्त नेथानी जी को, जो गढ़वाल समाचार निकाल रहे थे, उनसे कहा गया कि आप आइए और गढ़वाली अखबार को देखिए, क्योंकि आप अकेले निकाल रहे हैं। और उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि आर्थिक तौर पर वो मजबूत हो पाते, तो इसलिए उन्होंने गढ़वाली का संपादन करना शुरू किया। तो एक तरीके से गढ़वाली अखबार के पहले संपादक भी गिरजादत्त नेथानी थे, और गिरजादत्त नेथानी गढ़वाल के शुरू के 2 अखबारों के संपादक रहे, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब एक संस्था थी, उससे कुछ वैचारिक मतभेद हुए, तो नेथानी जी ने 1911 में गढ़वाली छोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना गढ़वाल समाचार निकाला। उसके बाद फिर कुछ मित्रों के आग्रह पर फिर वो 2016 में गढ़वाली में आए, फिर उन्होंने छोड़ा। तो 2016 में जब गिरजादत्त नेथानी ने दोबारा जब गढ़वाली अखबार छोड़ दिया, तो फिर विशंबरदत्त चंदोला जी ने सेना की नौकरी छोड़ी और वो गढ़वाली अखबार का संपादन उन्होंने किया, कि उन्होंने कहा मैं इसी को करूँगा। उसी दौर में एक बड़ी घटना होती है, जब विशंबरदत्त चंदोला गढ़वाली अखबार के संपादक बने, तो उनके संपादक बनने के लगभग लगभग 15 साल बाद उत्तरकाशी में एक जगह है तिलाड़ी, जब वो टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था, शायद आप लोगों को कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता, उत्तराखंड में टिहरी रियासत जो आज का उत्तरकाशी और टिहरी ज़िला है वो कभी अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहा। टिहरी रियासत का अपना अलग अस्तित्व रहा, और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब भी टिहरी रियासत देश में शामिल नहीं हुआ। उसने कहा हम अपना अलग अस्तित्व बना के रखेंगे। बहुत सारे लोग कश्मीर की बात करते हैं लेकिन टिहरी की बात लोग सब भूल जाते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर वहाँ एक बड़ा जन आंदोलन चला प्रजामंडल का,
जब वो लड़ाई लड़ी, लोगों ने राजा को सत्ता से उतार दिया, तब उसके बाद 1949 में जो है तब टिहरी रियासत संयुक्त उत्तर प्रदेश में शामिल हुई। तो एक तरीके से आज़ादी के 2 साल बाद तक टिहरी रियासत ने अपना अलग अस्तित्व बना के रखा। एक तरीके से हम कहें तो पूरे भारत के अंदर एक अलग से देश था टिहरी रियासत, जो आज उत्तरकाशी और टिहरी जिला दोनों मिला के तब वो टिहरी रियासत होता था। तो 1930 में वहाँ किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला अपने वन अधिकारों को लेके, वनों के हकों को लेके। उस समय जो था वहाँ के जो राजा थे नरेंद्र शाह, वो विदेश के दौरे पर थे, क्योंकि देसी रियासतों को अंग्रेज सरकारों से भी बना के रखना पड़ता था, तो विदेश के दौरे पर थे। वहाँ के जो DFO थे उस इलाके के, जो तिलाड़ी वाला जो इलाका है, वो DFO थे पद्मादत्त रतूड़ी, और उन्हें बड़ा एक तरीके से जनता के खिलाफ माना जाता था। और टिहरी रियासत के जो दीवान थे, जिनके हाथ में एक तरीके से पूरी टिहरी की सत्ता रहती थी, पद्मादत्त रतूड़ी को चक्रधर जियाल का वरद हस्त प्राप्त था। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने जनता की कोई मांग नहीं सुनी, और एक तरीके से चक्रधर जियाल के इशारे पर जनता का दमन करने को तैयार हुए, और उन्होंने पहले खुद अपने सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई, और उसके बाद उन्होंने टिहरी से फौज मंगाई, और फौज ने वहाँ ज़बरदस्त कत्लेआम किया। जो आम लोग बताते हैं, जो जनश्रुतियों में कहा जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा लोग उस टाइम मारे गए 30 मई 1930 को, जो तिलाड़ी कांड के नाम से एक तरीके से चर्चित हुआ है, जिसे फिर गांधी जी ने जलियाना वाला कांड की संज्ञा दी थी। उस दमन को लोगों ने बताया नहीं। जब कहा जाता है कि फौज ने जो है बहुत सारी लाशें यमुना में बहा दी, उसके नज़दीकी यमुना बहती है, तो लोगों ने डर के मारे नहीं बताया कि हमारे घर के कौन लोग मारे गए। लोग चुपचाप रहे। वो चुप रहने से ये हुआ कि वो स्थिति कभी बाहर नहीं आई कि वहाँ कितने लोग मारे गए। लेकिन यहाँ एक पत्रकारिता का बड़ा साहस भरा निर्णय हमें यहाँ दिखाई देता है इसी इतिहास के कालक्रम में। वहाँ दूसरे, उससे लगे हुए दूसरे इलाके में DFO थे रामानंद सकलानी, जो एक तरीके से जनता के पक्षधर थे। उन्होंने पद्मादत्त रतूड़ी से भी कहा था कि आप जनता की मांगे मान लो, क्योंकि उनकी कोई नाजायज मांगे नहीं है, वो सही मांगे हैं। लोग सुनने की स्थिति में भी होंगे, फिर भी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी जरूरी हैं, और मैं एक औपचारिकता पर ही अपना जो मैंने पत्रकारिता के करीब 40 साल का सफ़र किया है, उस सफ़र में जो जो चीज़ें आई, जो मैंने देखा, जो समझा, जो परखा, उसी के बारे में मैं बताऊँगा। इससे पहले मंचा सिंह हमारे अध्यक्ष और प्रोफेसर रेणु प्रकाश जी, निदेशक पत्रकारिता विद्या शाखा की, और डॉक्टर ममता पंत जी, हमारे संपादक जी अमर उजाला के शायद कहीं चले गए होंगे व्यस्तता के बीच में, वो उन्होंने समय दिया होगा, और मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर जगमोहन रौतेला जी, और यहाँ पत्रकारिता के विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रयाल जी, और मेरे साथी राजेंद्र कुरा जी, संचालक बहुत अच्छा संचालन विपिन जी कर रहे हैं। जब विपिन जी हल्द्वानी में कभी हम लोग कार्यक्रम करते थे तो विपिन जी कहते थे नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना है। खैर आप अब आप पढ़ा रहे हैं, पत्रकारिता के भी आप फैकल्टी मेंबर हैं, और मैं हमारे साथ के कई पत्रकार साथी यहाँ पे हैं। मैं आप सब लोगों को आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देता हूँ, और उम्मीद है कि मंचों से जो भाषण संप्रेषित होते हैं, उन भाषणों का जो सार है वो उतना ही ग्राही करिए जितना आपके व्यवहारिक जीवन में उसकी ज़रूरत है। नहीं तो कई चीज़ें दिखती हैं, दिखने को बहुत खुला आसमान दिखता है, लेकिन जब आसमान में जब परिंदा उड़ना शुरू करता है, तब उसको लगता है कि ये उसके पंख उसका साथ कहाँ तक दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ पत्रकारिता की भी यात्रा है। हम लोगों का जो दौर था, मैंने पत्रकारिता का जो दौर है उसको 5 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि जो मेरा शीर्षक है उसमें उत्तराखंड में बदलती पत्रकारिता की स्थिति के बारे में बताया गया है। मुझे उसी पर बोलना है, मैंने उसी पर ही अपने को केंद्रित करने की कोशिश भी की है। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मूलतः लिखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, मुझे भाषण देना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए अगर कहीं भाषणों में भाषागत
अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी जब वक्ता बोलता है तो उसका जो प्रवाह है उसकी बिल्कुल एक पानी के बरसात के पानी की तरह से जो नाला या नदी है उस उफान की तरह से वो चलता है, और जब वह सागर में विलीन हो जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही वक्ता की भी एक जो मेरी समझ है वो मैं उसको मानता हूँ। खैर जो ये एक दूसरा पक्ष है, अभी आप लोगों के पास समय भी कम है, मैं बहुत शॉर्ट में बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शोधार्थी हैं, हालांकि हमारे गणेश जी हैं आप हमारे साथी ही हैं कई, और दीपिका जी हैं और भूपेन जी हैं, सब हमारे पत्रकार साथी हैं, मतलब ज़्यादा शोधार्थियों को भी ज़्यादा गाइड करने की मुझे नहीं लगता है कि ये जो हम भाषण दे रहे हैं उसमें से कुछ बहुत उनको ज़्यादा उनको मिलेगा क्योंकि वो शोध कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक जो अपने अनुभव हैं उस अनुभव को बांटने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने जो पत्रकारिता को बांटा है उत्तराखंड की आज़ादी के बाद की पत्रकारिता, जो अभी जगमोहन जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह से जो एक शोधार्थी का दायित्व है, शायद वो जगमोहन जी ने जो प्रेषण किया यहाँ पे किया संप्रेषण किया जो बताया जो उन्होंने होमवर्क किया था बहुत शानदार एक होमवर्क किया था, मेरे पीएचडी का भी यही भाग था उत्तराखंड की पत्रकारिता के सामाजिक राजनीतिक जनजागरण में मीडिया की भूमिका। और ज़्यादा औपचारिकताएं न करते हुए मंचासीन अतिथिगण और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी सर, इस कार्यक्रम की संयोजक एवं मानविकी शाखा की निदेशक प्रोफेसर रेणु प्रकाश, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशांक शुक्ला जी और अध्यक्ष पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन डॉक्टर राकेश चंद्र रयाल जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय डॉक्टर गणेश पाठक जी और जगमोहन सिंह रौतेला जी एवं मंच के उस ओर बैठे विद्वजनों को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने हेतु उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। जैसा कि माना गया है पत्रकारिता को समाज की नींव कहा जाता है। अगर देखा जाए तो साहित्य और पत्रकारिता का अन्योन्य संबंध है, क्योंकि दोनों ही समाज के दर्पण के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। और आज का जो विषय है विकसित भारत @2047 का संकल्प और न्यू मीडिया हिंदी पत्रकारिता के विशेष संदर्भ में, मेरा ये मानना है कि पौराणिक युग से और नारद मुनि का अगर इधर संदर्भ न लिया जाए तो ये उनके साथ कहा जाए कि अनुचित ही होगा, सॉरी। तो पौराणिक युग से जो पत्रकारिता हमारे सम्मुख उपस्थित हुई थी और हिंदी के क्षेत्र में उत्तंत मार्तंड से जो यात्रा हिंदी पत्रकारिता की शुरू हुई थी वह आज AI युग तक पहुंच चुकी है। मैं गणेश चंद जोशी, शोधार्थी पत्रकारिता व मीडिया अध्ययन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। मेरा विषय है हिंदी पत्रकारिता, मैं हिंदी की भाषा वर्तमान स्थिति व चुनौतियाँ। हालांकि इस विषय पर अभी हम सुन रहे थे प्रमोद कुमार जी से लेकर प्रोफेसर KG सुरेश जी और तमाम अभिवक्ताओं ने, जगमोहन रोतला जी और गणेश पाठक जी से लेकर और डॉक्टर पंत जी ने भी काफ़ी इस पर विस्तार से बात करी है। और मैं संक्षेप में अपना जो शोध सार जो मैंने बनाया है, हालांकि काफ़ी विस्तार से है यहाँ, उसको पूरा पढ़ने का वक्त नहीं है। जो हम पत्रकारिता की बात करते हैं भाषा की, जब हम शुरुआत की दौर में जब पत्रकारिता को देखते हैं जब 30 मई 1826 को कलकत्ता से, यानी कि अब कोलकाता कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने जब उदंत मार्तंड, जिसे अंग्रेजी में द राइजिंग सन कहते हैं, जो अखबार का साप्ताहिक पत्र निकाला था, तब उसकी भाषा पूरी तरीके से हिंदी नहीं थी। उस समय हिंदी को लेकर ऐसा माहौल भी नहीं था, क्योंकि दमनकारी नीतियां थी, ब्रिटिश कालीन शासन था। उस लेख अवधि और ब्रज भाषा का उन्होंने बेहतरीन उल्लेख करते हुए निकाला था। करीब एक साल तक वो पत्र चला, लेकिन उसके बाद साहित्य और पत्रकारिता दो आपस में जुड़कर एक समृद्ध रूप से हिंदी का विस्तार हुआ। और जितने बड़े साहित्यकार जो हम नाम लेते हैं,
चाहे वो उस समय के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें, बालकृष्ण भट्ट की बात करें, महामना मदन मोहन मालवीय जी की बात करें, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर के यहाँ के बद्रीदत्त पांडे, तमाम ऐसे नाम हैं जो साहित्य में भी जिनका उल्लेखनीय योगदान है और पत्रकारिता में भी। इसी वजह से उस समय की जो उसके बाद के दौर की जो पत्रकारिता थी उसकी भाषा बहुत अधिक समृद्ध हुई और हिंदी की जो एक बेहतरीन विधा पत्रकारिता में भी आई वो साहित्य के जरिए आई और दोनों का अच्छा सम्मिश्रण देखने को मिला। 20वीं सदी के बाद जब हम देखते हैं उसके शुरुआत में रेडियो का आगमन हो चुका था और मीडिया का और प्रसार बढ़ गया और 20वीं सदी के अंत तक हमारे बीच टेलीविज़न भी आ गया और इस दोनों के आने से जो हमारी हिंदी है या हिंदी पत्रकारिता का विस्तार और तेज़ी से होने लगा। 21वीं सदी के आते आते न्यू मीडिया एक क्रांति के रूप में हमें पूरी दुनिया में देखने लगी और सबसे अच्छी बात हुई कि इसके जरिए हम अपनी जो हिंदी भाषा को लेकर जो बात कर रहे हैं हिंदी का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ, लेकिन उसके सामने तमाम चुनौतियाँ भी खड़ी हुई और भाषा को लेकर जिस तरह से विमर्श है कि जी सुरेश जी ने भी कहा था कि भाषा कितनी विद्रूप हो रही है, कितनी बिगड़ रही है और हमें भाषा को लेकर किस तरह से अधिक काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से खासकर हिंदी मीडिया में, हिंदी पत्रकारिता में, चाहे हिंदी पत्र पत्रिकाएँ हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, उसमें जो इंग्लिश का, जो अंग्रेजी का ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जिन शब्दों का प्रयोग उचित नहीं लगता है। हालांकि जैसे विज्ञान की पत्रकारिता है या मेडिकल की पत्रकारिता है, कुछ पत्रकारिता ऐसे हैं जिसकी टर्मिनोलॉजी, जिसका जो इंग्लिश शब्द हैं वो इंग्लिश में ही हैं, उसका उच्चारण हम कर सकते हैं या उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और ख़राब हमारी भाषा हो रही है और इसको हमें और बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद मंचासन उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रोफेसर सर मैम, गुड आफ्टरनून। मेरा जो टॉपिक है वेक्टर संचारित रोगों, रोग जो फैलते हैं उसे डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम कैसे लोगों तक जागरूकता फैला सकते हैं। तो मैं प्राणी शास्त्र विभाग से हूँ, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में शोधार्थी, मेरा नाम है रीटा रानी। तो जैसे कि सर ने बोला कि संक्षेप में बताना है, तो मैं यही बताऊंगी कि हमारी जो प्रैक्टिकली जो लाइफ में चल रहा है, तो जो स्वास्थ्य ऐप्स हैं हमारी वो बहुत हेल्पफुल हो रही हैं। लिखा बहुत कुछ है लेकिन अभी बताने का समय नहीं है, तो स्पेशली जो स्वास्थ्य ऐप्स है उसमें मैं एक ही ऐप बताऊंगी, टेलीमेडिसिन ऐप आप अपने फ़ोन पर भी लग सकते हैं और जो हमारे CHC PHC चल रहे हैं सारे जिला में चलते हैं, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, तो वो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं इजीली पहुंचा पा रहे हैं, जिसमें कि कहीं कहीं पर भी इंटरनेट की कमी है तो कुछ चुनौतियां भी फेस करनी पड़ती हैं। तो इंटरनेट में हम ज़्यादा वहां पर टावर वगैरह ये सब सरकार कर रही है। एक प्रैक्टिकली और चीज़ बताऊँगी, अभी अक्टूबर 2023 में हमारा एक IEC वैन चली थी जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से कोरिलेट करती थी, जिसमें केंद्र सरकार की जितनी भी सुविधाएं थी, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, जल, सिंचाई, ये सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ थी, तो वो उस IEC वैन के द्वारा दिखाई गई थी, जो बहुत ही इंटीरियर गांवों तक भी पहुंची, जिसमें कि जो किसान सुविधाओं से वंचित थे उन तक वो सुविधाएं पहुंची गई हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में मतलब मेन मोटिव यही था कि सारी सुविधाएँ ग्राम के लोगों तक पहुँच पाए, जिसमें हमारी डिजीज़, जो मेरी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, इसमें जो मक्खी मच्छर के द्वारा जो हमारी डिजीज़ फैलती हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो कभी कभी किसी को, जैसे कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिसको प्रॉपर नॉलेज, ज्ञान नहीं है, तो जो हमारा यूट्यूब है, वीडियोज़ है, जिसको अभी फ़ोन चलाना भी नहीं आता, तो घर पर अगर किसी को स्मार्टफोन चलाना आता तो थोड़ी थोड़ी जानकारी उन तक पहुँच पा रही है, तो मीडिया इसमें भी बहुत अच्छा रोल दे रही है। और सभागार में बैठे अन्य श्रोताओं, मेरा नाम अनिरुद्ध ध्यानी है, मैं पर्यटन व्यवसायी हूं और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में प्रबंधन संकाय का शोधार्थी हूं। जैसे कि आज के विषय में एक प्रासंगिक शब्द है डिजिटल मीडिया, तो मेरे संवाद का शीर्षक है होमस्टे पर्यटन एवं डिजिटल मीडिया। मुझे पर्यटन में पिछले 7 वर्षों का अनुभव है और वर्तमान में मैं फुल मून कॉटेजेस कर्णाताल के नाम से इको कैंप संचालित कर रहा हूँ। अब इसमें डिजिटल मीडिया का अगर हम आधार से चलते हैं तो संवाद या संचार ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और मानव के सामूहिक विकास के लिए ये दोनों ही तथ्य जो हैं, जो संचार और संवाद दोनों ही बहुत प्रभावी हैं। आज हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो मोबाइल या कंप्यूटर या
किसी और युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से हम लिखित ऑडियो या वीडियो संदेश हम दूसरे लोगों तक भेजते हैं, इसे हम डिजिटल मीडिया कह सकते हैं। डिजिटल मीडिया के अंतर्गत एक अन्य तथ्य आता है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। मैं इस डिजिटल मार्केटिंग पर इसलिए आ गया क्योंकि समय की कमी है और मेरा जो शीर्षक है वो होम स्टे से संबंधित है। समन्वय, यहाँ मौजूद सभी सम्मानित गुरुजन, मेरे शोधार्थी साथी और यहाँ बैठे बुद्धिजीवी लोगों को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे आज मौका दिया गया है। मेरा विषय है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का प्रभाव। आज हम बात करते हैं स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन बेहद सुलभ हो गया है, एक बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर जो श्रमिक वर्ग है उसके पास भी स्मार्टफोन है, लेकिन हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि ज़्यादातर हम इसका प्रयोग इस दिशा की ओर कर रहे हैं जिस पर इसमें कई ऐसी सामग्री होती है जो भ्रामक रूप से फैलती है और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने ये अध्ययन किया है कि सोशल मीडिया सूचना और समाचार का प्रमुख स्रोत है, जिसमें हमें अपडेट्स मिलते हैं, ताज़ा खबरें मिलती हैं, लेकिन हर खबर सही नहीं होती और हमारी आदत होती है कि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं और उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हालांकि जो हमारा अध्ययन था उसमें पाया गया कि जो हमारा युवा वर्ग है, खासकर जो 21 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के लोग हैं, वो किसी भी सामग्री को तेज़ी से वायरल करने के पीछे ज़्यादा जिम्मेदार पाए गए हैं, क्योंकि उनके पास इतना विवेक और इतनी समझ नहीं होती और वे किसी भी खबर को, चाहे वह पुष्ट नहीं हो, तथ्यों की कमी हो, वैसे तेज़ी से अपने ग्रुप्स और जो अपने जान पहचान के लोग हैं उसमें वायरल कर देते हैं। तो इससे काफ़ी नकारात्मक असर पड़ रहा है, लोगों की छवि खराब हो रही है और कुछ ऐसे एथिक्स हैं मीडिया के जिनका पालन नहीं हो रहा। मैं आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहती हूँ आज के इस तकनीकी सत्र में। मैं हमारे जो वक्ता हमारे मध्य मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ श्री जगदीश सिंह रौतेला जी का, श्री पाठक जी का और मैम ममता पंत मैडम का। आप सचमुच आप लोगों के, मैं जब व्याख्यान सुन रही थी आपके वक्ता के रूप में, तो इतने सारगर्भित और इतने सरल शब्दों में आप लोगों ने पत्रकारिता का इतिहास और उसके संप्रेषण, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण सभी को इतने सरल तरीके से समझाया कि वो वास्तव में हमारा जो आज का ये कार्यक्रम, जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, वो अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर पाई।